हेलो दोस्तों, बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर और इस मॉडल पेपर को हम सरल करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में और आसान ट्रिक के साथ हम पार्ट डी सोल्व करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए बी तथा सी तीन मशीन ऑपरेटर हैं। मशीन ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा बी 5% और सी 7% खराब सामग्री उत्पादित करता है। कार्य पर ऑपरेटर ए कुल समय का 50% लगाता है, ऑपरेटर बी कुल समय का 30% लगाता है तथा सी कुल समय का 20% लगाता है। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता क्या है? देखो, हम फॉर्मूला जानते हैं बेस प्रमेय का, या बेस प्रमेय भी बोलते हैं। इसको हम लिखते हैं कि भाई घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी है, तो इसको लिखेंगे ए की प्रायिकता और बी प्रतिबंधित प्रायिकता है बट्टा बी की प्रायिकता। ये बेस प्रमेय का सूत्र होता है। ए द्वारा मशीन पर कुल सामग्री उत्पादित करने की प्रायिकता, तो देखो हमारे प्रश्न में ऑपरेटर ए कुल समय का 50% लगाता है, तो ए की प्रायिकता क्या होगी? 50% मतलब 50/100 या 1/2। इसी प्रकार बी द्वारा मशीन पर कुल सामग्री उत्पादित करने की प्रायिकता, अब देखो प्रश्न में ऑपरेटर बी कुल समय का 30% लगाता है, तो बी की प्रायिकता हो जाएगी 30% मतलब 30/100 या 3/10। इसी प्रकार सी द्वारा मशीन पर कुल सामग्री उत्पादित करने की प्रायिकता, प्रश्न अनुसार सी कुल समय का 20% लगाता है, तो सी की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 20% 20/100 बराबर 1/5। माना कि खराब सामग्री उत्पादित करने की घटना के है, तो ए द्वारा मशीन पर खराब सामग्री उत्पादित करने की प्रायिकता, अब मशीन ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है, तो के की प्रतिबंधित प्रायिकता 1% मतलब 1/100। इसी प्रकार बी द्वारा मशीन पर खराब सामग्री उत्पादित करने की प्रायिकता, ये बी 5% खराब सामग्री उत्पादित करता है, तो के की प्रतिबंधित प्रायिकता 5% मतलब 5/100 या 1/20 तथा सी द्वारा मशीन पर खराब सामग्री उत्पादित करने की प्रायिकता, सी 7% खराब सामग्री उत्पादित करता है, तो के की प्रतिबंधित प्रायिकता 7% मतलब 7/100। खराब सामग्री उत्पादित होती है तो इसे ए द्वारा उत्पादित करने की प्रायिकता, ये ए की प्रतिबंधित प्रायिकता इजिकल टू ए की प्रायिकता के की प्रतिबंधित प्रायिकता बट्टा ए की प्रायिकता के की प्रतिबंधित प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता के की प्रतिबंधित प्रायिकता प्लस सी की प्रायिकता डॉट के की प्रतिबंधित प्रायिकता। अब ए की प्रतिबंधित प्रायिकता क्या होगी? यहां से हम मान रख देंगे पी ए का मान हमारे पास कितना आया था, ए की प्रतिबंधित प्रायिकता का मान कितना आया था? ये आया था 1/100, तो ये मान हमने रख दिया। इसी प्रकार इन सब के मान यहाँ पर रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 गुणा 1/100। नीचे से मैंने 1/100 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 1/2 प्लस 3/2 प्लस 7/5, ये 1/100 से 1/100 कैंसिल हो गया, तो ए की प्रतिबंधित प्रायिकता क्या बची? 1/2, और नीचे से फिर मैंने 10 लेस पे ले लिया, तो 5 प्लस 15 प्लस 14, तो ए की प्रतिबंधित प्रायिकता कितनी आ गई? 5/34। तो ए की प्रतिबंधित प्रायिकता 5/34 ये सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए।